तो सैकड़ों पुलिस अफसरान प्रॉपर्टी डीलर निकले हैं। इंटेलिजेंस की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। मालिकान को डरा धमका कर जमीन सोसाइटी में शामिल की जाती है। प्रॉपर्टी कारोबार में SHO से DIG और एडिशनल IG तक सब शामिल हैं। मजीद बात करेंगे चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख से। मुजाहिद, नौकरी पुलिस में की जा रही है, काम प्रॉपर्टी का जारी है? आपको अपडेट कर देंगे। पुलिस अफसरान की मौजें लगी हुई हैं। सैकड़ों पुलिस अफसरान जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर निकले हैं। इंटेलिजेंस की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। मालिकान को डरा धमका कर ज़मीनें सोसाइटी में शामिल की जाती हैं, जबकि प्रॉपर्टी के कारोबार में SHO से लेकर DIG और एडिशनल IG तक के अफसरान जो हैं वो शामिल हैं, और इस हवाले से प्रॉपर्टी का काम जो है वो किया जा रहा है। मुजाहिद शेख से मजीद बात करेंगे। मुजाहिद, बताइएगा, प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं पुलिस अफसरान? हाँ जी बिल्कुल, पिछले कुछ अरसे से कुछ इस तरह के जो है इंफॉर्मेशन आ रही थी, और इस पे एक जो है एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है खास इदारों की जानिब से, जिसमें 200 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन के खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उसके जो मामला होते हैं जमीन की खरीदो फरोख्त के, उसमें मददगार होते हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल IG तक पुलिस अफसरान नाम है, और 200 से जायद की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है, और इसमें सदर और कैंट डिवीजन में मुसलसल तैनात रहने वाले सब इंस्पेक्टर, SPs, DSPs और दीगर अफसरान जो हैं वो शामिल होते हैं। और बताया जाता है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये अपना असल रसूख इस्तेमाल करते हुए जो हाउसिंग सोसाइटियों में जमीन आती है उसको फरोख्त ना करने वाले मालकान पर अपना असल रसूख इस्तेमाल कर उन्हें फरोख्त करने पे या पैसे लेने पर मजबूर किया जाता है, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट किए बगैर ही इन्होंने काफी भारी रकम जो है उसका मुआवजा भी वसूल किया जाता है, और स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर पुलिस अफसरान ऐसे जो है कई हाउसिंग सोसाइटियों में जो है वो कारोबारी शराब भी करते हैं। शुक्रिया चीफ रिपोर्टर मुजाहिद।